नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में बिहार कुलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने बताया कि बिहार कुलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले मजदूरों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, जिसमें वेतन समझौता 11 जल्द से जल्द लागू किया जाए, मजदूरों की सुविधा में कटौती करना बंद किया जाए, बीसीसीएल के 25% शेयर बेचना बंद किया जाए, सीएम पीडीआईएल बीसीसीएल ईसीएल को अलग करने की साजिश जल्द बंद की जाए। उन्होंने बताया कि मजदूरों के ऐसी कई मांगों को लेकर 15 जुलाई को बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के द्वारा कोयला भवन में जोरदार घेराव आंदोलन किया गया है। अगर मजदूरों की मांगों को अनदेखा किया गया तो मजदूर मुंह तोड़ जवाब देगा। आज के आंदोलन हमारा बिहार कुलरी कामगार यूनियन क्षेत्र संख्या 12 में मजदूरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर, जैसे कि हमारे वेतन समझौता 11वीं जल्द से जल्द लागू किया जाए, मजदूरों की सुविधाएँ कटौती हो रहे हैं उसको अविलंब बंद किया जाए, साथ साथ बीसीएल के जो 25% शेयर जो विनिवेश किया जा रहा है उसको तत्काल रोक लगाया जाए, सीएमपीडीआईएल बीसीसीएल और ईसीएल को जो कोल इंडिया से अलग करने की जो साजिश रखी जा रही है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, इन सब मांगों को लेकर आज बिहार कुलरी कामगार यूनियन अपना आक्रोश व्यक्त करती है। साथ साथ ही घोषणा करती है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर, मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगामी 15 जुलाई को बिहार कुलरी कामगार यूनियन द्वारा एक विशाल जनाक्रोश रैली के माध्यम से कोयला भवन का घेराव किया जाएगा और प्रबंधन को मांग पत्र दिया जाएगा कि हम लोग आगे का रणनीति क्या करें। अगर मजदूरों की मांग को इस तरह कटौती करते जाए और मजदूरों का साथ में अगर न्याय करता है, चाहे केंद्र सरकार हो या कोल इंडिया के मैनेजमेंट हो या बीसीएल के मैनेजमेंट हो, मजदूर इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और आगे बिहार कुलरी कामगार यूनियन इसी मजदूर के नेतृत्व को लेते हुए आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन करने पर बाध्य है। वही मौके पर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन दहीबाड़ी परियोजना के सचिव मोहम्मद कलामुद्दीन ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा गलत नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन रहा। बीसीसीएल के 25% शेयर बेचकर मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही जमीन के रैयतों को उचित मुआवजा या नियोजन देकर परियोजना का विस्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि मजदूर विरोधी नीतियों को मजदूर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ था जो बीसीसीएल को 25% शेयर बेचना चाह रहा है, एनसीडब्ल्यू 11 जो लागू नहीं कर रहा उसको अविलंब लागू करने के लिए, और यहाँ पर जो जमीन का मुद्दा पर जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो जमीन के विस्थापितों को जल्दी से नियोजन देकर आगे के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।